हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम देख सकते हैं, आप ऊपर वाला बोर्ड आप देख सकते हैं हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिलहाल अब हम निकल गए हैं यहाँ से। पीछे वाला मैंने आपको कोई व्यू नहीं दिखाया है, सो सीधा आपको दिखाएंगे हम आगे वाला व्यू। तो फिलहाल मेरे साथ कुणाल भाई हैं और आगे आगे आप देख सकते हैं कौन जा रहा है। सो आज हम जा रहे हैं, पहले सुरिंसर जाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जा सकते हैं, मानसर ही जा सकते हैं सुरिंसर के बाद। सो अभी तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, इस रोड से, उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। मोरनी आप सबकी। और ये है दोबारा एक बार, देखो यार व्यू, यार गाइस देखो, चेक करो सारा व्यू चेक करो भाई, और कुणाल को भी चेक करो यार, कुणाल बीमार है, इसको भी चेक करो थोड़ा। तो गाइस व्यू देख सकते हैं यार, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बजालता से नीचे आ रहा था तो सोचा दो मिनट यहाँ पे रुक जाए। और सारा व्यू देखो यार, प्यारा व्यू है यार, मस्त मस्त वाला मस्त, और मोरनी मस्त लग रही है। तो चलो चलते हैं, राहुल भाई और वो चले गए आगे, तो मिलते हैं आगे आपको सुनील सर जाके। देख सकते हैं 20 किलोमीटर रह गया, तो चलो चलते हैं फिर। सो गाइस देख सकते हो हमें रास्ते में एक जानवर मिल चुका है, अब हम जानवर के साथ करेंगे पंगा। सो गाइस देख सकते हैं आप जानवर जी, पूरा व्यू देखो यार, मेरी जान भाई, तुम्हारा भाई अभी थोड़ा घुमाएगा फिराएगा, टायर में थोड़ी हवा कम है तो इसलिए थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे, क्योंकि ये पूरी चढ़ाई है यार। मेरे ख्याल से 7-10 किलोमीटर बाकी रह गया होगा वहां, चलो 10 किलोमीटर भी देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे धूप शुरू हो गई है, और इन रोडों में बस एक ही लफड़ा, ऐसे वाले गंदे वाले रोड बड़े बड़े ज्यादा आ रहे हैं बीच में, पता नहीं क्या चक्कर, ऊपर से पानी आता है या मिट्टी आती है, कुछ तो है यार उन सब का। और देखो यार मैगी पॉइंट यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें बड़ी ज्यादा मिल जाएंगी आपको, पीछे भी थी तो चलो वो तो दिखाई नहीं, ये वाली आप देख लो यार, जो नहीं दिखाई सो कट करो, जो दिखा रहे हैं वो देखो यार भाई, मजेदार जगह है ये। तुम्हारा भाई सबसे पहले हवा डलाएगा, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा कम हो गई है टायर में यार, घर से याद भूल के घर से ही डाल लेता है यार, मजा नहीं आ रहा, बाकी बहुत मजा आ रहा। और यार गाइस व्यू चेक करो भाई, व्यू चेक करो, ये देखो गाइस, ये बंदे विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, नंबर देख लो इनका, करा देना केस। तो गाइस अभी एक व्यू पॉइंट आएगा, वहां रुकते हैं 5-10 मिनट, फोटो वगैरह करवाते हैं, तो उसके बाद चलते हैं आगे। एक दो व्यू पॉइंट ही है यार अच्छे अच्छे यहाँ पर, देखते हैं इनका मन करेगा तो रुकेंगे। देखो व्यू पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो गाइस ये वाला व्यू पॉइंट है यहाँ पर, ये नहीं रुकने वाले, ये भी नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। सो चलो चलते हैं यहाँ पर व्यू पॉइंट, 11 किलोमीटर रह गया है सुरिंसर, कम ही है यार। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, और उन्होंने ब्लैक वो लगाए होते हैं, तो देख सकते हैं चल रहा पता नहीं क्या होता है बीच में, वो आप सब गैस कर लो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना यार, लोग इतनी दूर दूर से आके यहाँ पे बैठते हैं यार, कितना मजा आता होगा इनको, पता है हराम नहीं हो बेटा। सो गाइस देख सकते हैं आप नीचे वाला व्यू, अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो तेरा भाई का सोच रहा है उतार के दिखा ही दूं। गाइस ये इन्होंने पहाड़ी काट कर रास्ता बनाया हुआ, और व्यू देखो यार आगे पीछे दोनों तरफ ये है, ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी होती है शायद, ये देखो पत्थर वगैरह गिरे हैं ऊपर से, गिरते हैं यहाँ से भी यहाँ से भी। सो संभल कर आए जाएं, और यहाँ पर गाड़ी ना रोकें, खतरे से खाली नहीं हो सकता भाई, इस रोड पर मज़ेदार जगह है यार देखने के लिए और दिखाने के लिए भी। रोड बहुत ज़्यादा छोटा है गाइस, तो सोच समझ के ड्राइविंग करें, चार आंखों से ड्राइविंग करें, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा छोटा है यार, जिस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है, तो सोच समझ के। और गाइस व्यू देखो यार, व्यू देखो भाई गॉड, एक व्यू पॉइंट आएगा अभी यहाँ पे, तो रुकने रुकने डेफिनेटली तुम्हारा भाई यहाँ रुकने वाला है, कोई रुके या ना रुके भाई, क्योंकि इतने अच्छे व्यू हैं यार, मिस नहीं करना चाहता मैं, कोई भी व्यू मिस नहीं होना चाहिए, सारे के सारे व्यू आपको भी दिखने चाहिए और मैं भी देखूँ यार, और यादें भी बनी रहें। ये देखो गाइस यहाँ से पैर देवता का रास्ता भी जाता है, आपको मैं लिंक दे दूंगा ब्लॉग के, उसमें लिंक दे दूंगा, लिंक में आप देख लेना, हम पैर देवता गए थे, यहाँ से भी पैर देवता का रास्ता जाता है यार, तो अब यहाँ से भी जा सकते हैं, और यहाँ पे एंथम यहाँ से जाता है, और यहाँ से पैराग्लाइडिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है यार, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप करें।
तो बाकी ये व्यू पॉइंट है एक ये है। चलो 5-10 मिनट यहाँ रुकते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे चलना है। सो गाइस देख सकते हैं आप सारा का सारा व्यू यहाँ का। थोड़ा सा व्यू पॉइंट बताते हैं आपको, व्यू पॉइंट कैसा है। राहुल इधर से ऊपर जाने दे, उधर से। सो गाइस हमने इतनी इतनी जगह नहाया हुआ है और आज विशाल और राहुल भाई इस अच्छे से पानी में दोनों नहाने वाले हैं। वो तो घूमते नहीं है, अंदर रहते हैं कुछ, जो अंदर ही रहते हैं मैक्सिमम, जो घूमने वाले होते हैं वो घूमते हैं, जो घूमने वाले नहीं होते हैं। ऑफिस से घर, किसी ने घर कोई ऑफिस बनाया हुआ है, बस वही पैसा ही रह गया जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो आओ घूमो फिरे, नेचर की भी थोड़ी यार तारीफ करो, नेचर को भी टाइम दो अपने यार, क्योंकि यही है जो है जिसकी वजह से आज हम जी रहे हैं। सो गाइस बहुत मजा आ रहा है यार यहाँ पे, तो चलो अब फोटो वगैरह कराते हैं और उसके बाद चलते हैं। फिर सुनील सर और इन दोनों को देखो यार, आज इन दोनों का सीन क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही है। तो गाइस आप सब देख सकते हैं यहाँ पर विशाल अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए आया हुआ है। माय गॉड, तो आपको ये मेरे को कंटेंट मिला है, विशाल इधर एनिवर्सरी मनाने के लिए आया हुआ था। तो पता किसके साथ आया था ये, इसके साथ आया था एनिवर्सरी मनाने के लिए। तो देख सकते हैं इसके साथ खाने आए हैं, इसका प्यार है ये ट्रू लव वाला। ये क्या कर रहा है? मजा आया विशाल भाई, ये भी आएगा इधर देख लेना कसम से। ये कैंड तू देख ले फिर क्या करूं मैं, तू जो मर्जी कर मुझे क्या पता। सो गाइस देख सकते हैं इनको यहाँ हो गया प्यार, वो भी कुत्तों से ट्रू लव। कुनाल तो इनसे उठने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। भाई तेरी बाकमी है यार। तो गाइस आप यहाँ पे आते वक्त ये सारे व्यू नोटिस करो, और यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत मस्त मिलेगी, यहाँ खाने पीने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, सब कुछ खाने पीने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, खाने पीने का छोटा मोटा जो होता है वो भी सारा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद आप गाइस व्यू नोटिस करो यार, गाइस ये मेन चीज़ है यार देखने वाली, जम्मू की खूबसूरती यार यहाँ पर दिखती है। संडे को लोग भी बाहर निकलते हैं सारे, तो इसलिए ये देखो यार व्यू, यार सारा व्यू बस मस्त वाला व्यू है ना। तुम्हारा भाई यार खुश हो गया कसम से बहुत, बेशक धूप है ना, धूप इतना फील नहीं हो रही जितना व्यू मस्त लग रहा है ना, धूप का पता ही नहीं चल रहा है यार। तो चलो थोड़ी फोटो शोटो करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सफ़र पर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। गाइस सुरीन सर पहुंचने से पहले कोई 3-4 किलोमीटर पहले का व्यू आज मैं संडे का व्यू आपको दिखाता हूं। तो चलो मेरे साथ और देखो सारा व्यू। तो तुम्हारा भाई जा रहा है सीधा ऊपर। गाइस व्यू देख सकते हैं यार, आज सारे व्यू ही व्यू दिखाए हैं, पीछे वाले 3-4 जितने भी थे वो भी दिखाए, अब ये वाला भी देखो यार। कैस करो कि अब हम जाने का हम वाले हैं, लेकिन हम चेंज कर रहे हैं लोकेशन, अब वहाँ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि थोड़ी देर अभी यहाँ ही स्पेंड हो जाएगा टाइम, तो उसके बाद लेट भी हो जाएंगे। तो चलो देखो पहले यहाँ का व्यू सारा। बंदर के लिए है ना कुत्ती है पेट्रोल। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुरीन सर, तो यहाँ का आज व्यू देख सकते हैं आप यार, सारा व्यू, ये पूरी झील है यहाँ पे। अब देखते हैं झील का चक्कर लगाना है या नहीं लगाना है। फिलहाल तुम्हारा भाई चल रहा है आगे, तो दिखाता तुम्हें सारा का सारा व्यू। देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं यहाँ पर सुरीन सर लेक के पास, तो अब दिखाते हैं आपको पूरा लेक का नज़ारा। और देख सकते हैं यहाँ पर मछलियाँ, कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं यार ये। सो गाइस अब दिखाता हूँ मैं आपको, आज लगता है बोटिंग वगैरह यहाँ पर बंद है, आज बोटिंग आज इन्होंने बंद रखी हुई है शायद, हाँ बोटिंग यहाँ पर बंद है, खुली होती तो आज हम बोटिंग करने का प्लान। सुनील सर की मछलियाँ हैं, पर ये पूरी लेक है। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना बड़ा कछुआ मिला है हमें सुनील सर लेक में। ये देखो गाइस, गाइज तुम्हारे भाई ने आपको दिखाया यहाँ पर एक कछुआ, और यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बड़ी पार्क वगैरह तैयार हुई है, वो दिखाते हैं आपको। तो क्या लिखा उसका, लोग देख सकते हैं यार, इसलिए आए यहाँ से। 2-3-3-4-4 तो आप देख सकते हैं कछुओं की पूरी वो आ गई, फैमिली आ गई है, पूरी बटालियन आ गई है। तो ये बनी है बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पर विजिट करें, मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि हम किड्स नहीं है, बाहर से देख लो। और ये बुड्ढा है 35 साल का, और देख सकते हैं विशाल को गुस्सा चढ़ चुका है। तो पूरी पार्क देखो यार कितनी प्यारी है।